हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे क्या मम्मी बना रही है मलाई ब्रेड, जिसको बनाने के लिए अम्मी ने शक्कर डाली है दूध में। उसके बाद जब तक दूध में उबाल आ जाता तब तक हम लोगों ने ब्रेड के साइड कोनों को हटा लेना है, और अच्छे तरीके से सारे कोनों को हटाने के बाद हम लोग को उसे बेल के पतला कर लेना है। उसके बाद एक कप दूध लोग को डालना है, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे तरीके से हम लोग को उसको घोल के अपना जो दूध था उसमें डाल के धीरे धीरे मिक्स करना है, और जब वो गाढ़ा हो जाए तब उसमें हमें वेलना एसेंस डालना है। और ये हमारी ब्रेड है जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पतला करके उसमें हमें लगाई है। अगर आपके पास रबड़ी ना हो तो आप मलाई लगा लेते हैं और अच्छे तरीके से रोल बना के रख लेना। अगर आपके रोल नहीं चिपक रहे तो कॉर्नफ्लोर का घोल बना के उसे चिपका लें। और यहाँ पे मेरे सारे रोल बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको जो दूध बन चुका था वो गाढ़ा हो जाए तब उसको हम लोगों ने अपने सारे रोल पे अच्छे तरीके से भिगा देना है। सारा रोल भीग जाए उसके बाद हम लोगों से ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद मैंने इसे ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट किया और ये है मेरी मलाई रोल। और यहाँ पर इफ्तारी में उसके साथ बन रही थी बैगन की पकौड़ियाँ, दाल, पापड़ और थोड़े से दही बड़े। इसकी रेसिपी मैं आपको कल दिखा दूँगी, आज दिखा नहीं पाई हूँ जल्दबाजी में। और ये गुजिया और दाल हमारी बन के रह चुकी, और ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए इफ्तारी निकाली थी। उसके बाद मोहल्ले से भी एक जगह से बिरयानी आ गई, और फिर मेरे मामू के यहाँ से भी हम लोग के लिए बिरयानी आई थी और कोल्ड ड्रिंक आई थी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, कल मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।